तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कल क्या होने वाला है मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। ब्रॉन स्ट्रोमन और ब्रॉन्सन रीड का भी मैच WWE ने एडवर्टाइज कर रखा है। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी पहले ही खबर सामने आ रही है जॉन सीना के बारे में। जैसे आप सब लोग जानते हो कि जॉन सीना 2025 में रिटायर हो जाएंगे दिसंबर मंथ में, यानी 2025 उनका आखिरी रेसलिंग ईयर होगा। लेकिन जॉन सीना ने WWE के साथ काफ़ी लंबा चौड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो अपने रिटायरमेंट मैच के बाद भी WWE में अपेयर होते रहेंगे और पॉसिबली वो एक ऑन स्क्रीन, हम कह सकते हैं एक बड़े रोल में हमें दिख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉसिबल रोल आ सकता है कि वो एक फुल टाइम या पार्ट टाइम जनरल मैनेजर बनते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं, या उसके बाद वो कॉमेंट्री टीम का हिस्सा बनते हुए भी हमें दिखाई दे सकते हैं, या फिर किसी सुपरस्टार को वो हमें ये करते हुए दिखा सकते, क्या करते हुए दिखाई दे सकते जल्दी बताओ तो, मैनेज करते हुए दिखाई दे सकते हैं। वो किसी फेस सुपरस्टार के मैनेजर भी बन सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जिस तरह की जॉन सीना के माइक स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। ठीक है, तो हमारी अगली खबर सामने आ रही है जेकब फाटू के बारे में। अगर आपने स्मैकडाउन का एपिसोड देखा होगा तो सोलो सिकोवा ने जेकब फाटू को अपना टैग टीम टाइटल टोंगा लाया को देने के लिए कहा था और टोंगा लाया को जेकब फाटू ने दे दिया था, लेकिन जेकब फाटू इससे ज़्यादा खुश तो नज़र नहीं आ रहे थे। और उसके बाद जेकब फाटू ने इंस्टाग्राम पे एक मैसेज किया है और ट्विटर पे भी कि वो जो कर रहे हैं उससे खुश है, गॉड उन्हें हमेशा अपने तरफ से सलामत रखे। इससे ये तो बात साबित होती है कि जेकब फाटू खुश नहीं है ब्लड लाइन से, या कह सकते हैं हम सोलो सिकोवा से। और अगर जेकब फाटू खुश नहीं है तो पॉसिबली रोमन रेस की तरफ भी जा सकते हैं। और खबरें ये भी सामने आ रही है काफ़ी दिनों से कि जेकब फाटू टर्न हो जाएंगे सोलो सिकोवा पे और वो रोमन रेस को ज्वाइन करेंगे और फिर हमें होको या ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं द न्यू ब्लड लाइन को। और जेकब फाटू जिमी उसो जे उसो रोमन रेस और हमें इनका सबका मैच देखने के लिए मिल सकता है द ब्लड लाइन सिविल वॉर के, यानी जो स्टोरी लाइन चलेगी उसमें। और ठीक है, तो हमारे नेक्स्ट खबर सामने आ रही है कि CM Punk वर्सेस ड्रू मैकइंटायर का मैच होने वाला है, स्ट्रैप मैच, वो भी कहा बैश एट द बर्लिन में। तो अभी से इस मैच की बैटिंग ऑर्डर सामने आ चुकी है कि ये मैच में कौन पॉसिबली जीतेगा। तो पॉसिबली ये मैच में CM Punk फेवरेट है मैच जीतने के लिए, लेकिन WWE हैपन कैसे करेगी, ड्रू मैकइंटायर को वीक कैसे दिखाया जाएगा CM Punk के सामने। तो पॉसिबली ये मैच में हमें इंटरफेरेंस देखने के लिए मिल सकता है, या फिर स्ट्रैप मैच है तो स्ट्रैप मैच से CM Punk ड्रू मैकइंटायर का मार मार के बुरा हाल कर देंगे और उसके बाद एक अनकॉन्शियस ड्रू मैकइंटायर हमें दिखाई दे सकते हैं हारते हुए। ठीक है, तो उसके बाद हमारी खबर सामने आ रही है कि ल्यू मॉर्गन से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्यों ल्यू मॉर्गन, ज़रा एक बात बता, तूने डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर भरोसा कैसे किया, वो अपने बाप का नहीं हुआ या रिप्ली का नहीं हुआ, वो तेरा कैसे होगा। तो इसके ऊपर ल्यू मॉर्गन ने कहा कि मैं डॉटी डोमिनिक मिस्टीरियो को प्यार करती हूँ और वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। तो क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि वो जैसा रहने जाए मैं उसे वैसा रहने देती हूँ, उसके बाप के जैसा उसे कंट्रोल नहीं करती, रिया रिप्ली जैसा उसे कंट्रोल नहीं करती, वो जैसा चाहे वैसा रह सकता है, जैसे फ्रीली चाहे वैसा वो सोच सकता है, वैसा सब कुछ कर सकता है, इसलिए वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा और हम एक पावर कपल WWE टेलीविज़न पर दिखाई देंगे। और इनका मैच भी है, कहाँ है तो बैच एट द बर्लिन में, और हमें यहाँ पे एक पॉसिबल स्टिपुलेशन भी ऐड होते हुए दिखाई दे सकती है। तो ये स्टिपुलेशन कौन दिया WWE ने अभी तक ये तो क्लियर नहीं किया है, लेकिन स्टिपुलेशन ऐड होते हुए हमें कल के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे दिखाई दे सकती है। ठीक है, तो हमारे नेक्स्ट खबर सामने रहे केविन ओवेंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच होने वाला है। और अगर आपने ये फ्यूड देखी होगी या फिर इस मैच का बिल्डअप देखा होगा तो कई बार ऐसा दिखाया गया है कि केविन ओवेंस अप टर्न होंगे तब टर्न होंगे, लेकिन केविन ओवेंस ऐसा नहीं कर रहे और पॉसिबली केविन ओवेंस टर्न होने वाले हैं किसके ऊपर, तो अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के ऊपर। तो आप कैसे होगा कि केविन ओवेंस टर्न हो जाएंगे, तो स्मैकडाउन पर का सबसे बड़ा हील यानी रोमन रेंस अब एक फेस सुपरस्टार के तौर पे काम कर रहे हो, अब स्मैकडाउन पे कोई बड़ा हील नहीं है, जो है तो वो ऑस्टिन थियोरी ग्रेसन वॉलर, वो बड़े हील नहीं है। और अगर बैच एट द बर्लिन में केविन ओवेंस हारी गई, यानी अब अगर के तो हारी गई क्योंकि कोडी रोड्स इतनी जल्दी टाइटल तो ड्रॉप नहीं करने वाले, तब केविन ओवेंस टर्न कर लेंगे और हील टर्न कर लेंगे कोडी रोड्स के ऊपर। तो ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट खबर सामने आ रही है
कि ल्यू मॉर्गन से पूछा ही गया था कि वो, जैसे मैंने आपको पहले कहा, तो वो इंटरव्यू में ल्यू मॉर्गन ने कहा कि बैश एट द बर्लिन में हम, यानी हम कौन, तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ल्यू मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस डेमियन प्रिस्ट और रिया रिप्ली का मैच तो होने वाला है। ये मैच में हम काफ़ी बुरी तरह डोमिनेट करेंगे रिया रिप्ली और डेमियन प्रिस्ट को, मैं अपनी फ्यूड उनके साथ ख़त्म करूँगी। अगर हम ये मैच में जीतते हैं तो हम उन्हें किसी तरह का टाइटल अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, और अब हम उन दोनों से मूव ऑन करेंगे और वहाँ पे मेरी और रिया रिप्ली की फ्यूड भी परमानेंट ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एक एंड टूर होगा, यानी जैसे पहले हुआ था कि ल्यू मॉर्गन का रिवेंज टूर चला था, उसमें उन्होंने टाइटल जीता, डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो जीता, और कौन जीता, पूरा जजमेंट डे जीता, उन्होंने धोखा भी दिया रिया रिप्ली और डेमियन प्रिस्ट को। अब यहाँ पे ये फ्यूड एंड हो जाएगी और जजमेंट डे पूरी तरह से मूव ऑन कर लेगा इन दोनों सुपरस्टार के ऊपर, तो ठीक है। अब हमारी खबर सामने आ रही है कि बेली का रिटर्न हो सकता है अगले स्मैकडाउन के एपिसोड में, तो कैसे होगा? तो सबसे पहले आप जानते हैं कि बेली है कहाँ। जैसे आपको पता है कि समर स्लैम में बेली ने अपना टाइटल आ रहा है नाया जैक्स के खिलाफ, तभी से वो गायब है, तभी से वो WWE ने ऐसा दिखाया कि वो इंजर्ड चल रही है और वो अगले स्मैकडाउन के एपिसोड में रिटर्न करेगी। तो आप कहेंगे ऐसा कैसा होगा, तो आपको पता होगा कि पता नहीं होगा तभी मैं बता देता हूँ कि अगले स्मैकडाउन के एपिसोड में मैच होने वाला है नाया जैक्स वर्सेस मी जिम का फॉर द स्मैकडाउन वुमेंस चैंपियनशिप के लिए, और ये मैच में पॉसिबली नाया जैक्स जीतेगी, और वहाँ पे नाया जैक्स के साथ कौन रहता है, तो नाया जैक्स के साथ रहती है, जल्दी बताओ, ट्रिपनी स्टैटन रहती है। और जब वहाँ पे नंबर्स गेम होगा, जब नाया जैक्स जीत जाएगी और अटैक होता रहेगा मी चीन के ऊपर, तभी हमें बेली का रिटर्न देखने को मिल सकता है, और बेली वापसी करेगी स्मैकडाउन के एपिसोड पे, और फिर हमें बेली का रीमैच देखने के लिए भी मिल सकता है नाया जैक्स के खिलाफ। आपका क्या क्या करना है बताइएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि कल के मंडे नाइट रॉ का क्या प्रीव्यू हो सकता है। तो एक मैच एडवर्टाइज है अंकल हाउंडी वर्सेज चैड गेबल के बीच, और हमें ये मैच में ऐसा दिख सकता है कि अंकल हाउंडी एक मिनट के अंदर ही, यानी कुछ सेकेंड के अंदर ही चैड गेबल को हराते हुए दिख जाए और पूरी तरह डिस्ट्रॉय करते हुए दिख जाए, तो वो द अल्फा को, या हम कह सकते हैं द कुछ तो भी नाम है उनके टीम का वो, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि WWE स्टिपुलेशन ऐड करते हुए दिख सकती है हमें मिक्स टैग टीम मैच में रिया रिप्ली और ल्यू मॉर्गन वर्सेस डेमियन प्रिस्ट और रिया रिप्ली के बीच में, ठीक है। तो ये मैच में हमें एक कोई पॉसिबल स्टिपुलेशन ऐड होते हुए दिख सकती है, शायद वो नो डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है या फिर कोई भी स्टिपुलेशन हो सकती है। WWE का प्लान है कि ये मैच को एक स्टिपुलाइज मैच किया जाए। तो अगली खबर सामने आ रही है कि ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस ब्रॉन्सन रीड का हमें मैच दिखने वाला है, फर्स्ट टाइम एवर मैच दिखने वाला है इन दोनों सुपरस्टार के बीच में, दो हैवीवेट सुपरस्टार्स के बीच में। और ये मैच में WWE किस सुपरस्टार को वीक दिखाएगी, तो WWE का प्लान है कि दोनों को ही वीक नहीं दिखाते, दोनों को ही स्ट्रांग दिखाया जाए, और ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन में एंड होते हुए हमें दिख सकता है। और शो की सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी हाईलाइट हो सकती है कि ड्रू मैकएंटायर वर्सेस CM Punk का स्ट्रैप मैच तो कन्फर्म है, और ये दोनों सुपरस्टार पूरे एरिना में पूरे सबके सामने हमें ब्रॉल करते हुए दिखाई दिए, और यहाँ पे हमें ड्रू मैकएंटायर का अपर हैंड भी दिखाई दे सकता है ब्रॉल में, क्योंकि वो अपने हील टैक्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे मेन बात, रैंडी ऑर्टन को इंपीरियम वापस अटैक करते हुए दिख सकते हैं, रैंडी ऑर्टन को बैश एट द बर्लिन से पहले इंजर्ड करते हुए भी हमें दिख सकते हैं, और इंजर्ड रैंडी ऑर्टन बैश एट द बर्लिन में गुंतर के खिलाफ लड़ते हुए भी हमें दिखाई दे सकता है WWE के स्टोरी लाइन के तहत। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ तक वीडियो देखा होगा तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो।